आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 14 नवंबर की श्रीवरदान की। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वरदान में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे मीठा है और सबसे शक्तिशाली है। उसी तरीके से शक्तिशाली है हमारी शांति, मन की शांति। मन में अगर हमारे बहुत सारे थॉट्स हैं, एंड ये ज़्यादातर थॉट्स हमारे चलते हैं, क्यों? क्योंकि हमने या तो कुछ पूरे दिन भर में बुरे कर्म किए हैं, किसी को आप कुछ कह दें या आपको कुछ कह दे कोई इंसान, दिन भर आप सोचते रहेंगे, या तो आपके अंदर रिवेंज लेने की भावना आएगी, या तो फिर आप लो सेल्फ एस्टीम में हो जाएंगे और अपने आप को आप नीचे खींचना शुरू करेंगे। या ये दो ही चॉइसेस हैं, या कोई कोई होता है जो कि न्यूट्रल भी रह पाता है। तो कोई ऐसे भी होते हैं जो कि किसी ने अगर बुरा कहा है तो उसको दुआएं देना शुरू कर देते हैं। वो बहुत हायर लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर होते हैं वो लोग। चॉइसेस हैं हमारे पास में, हम कौन से लेवल में जाना चाहते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है व्यर्थ थॉट्स, इम्प्योर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को निकालने का, दुआएं देना शुरू कर दो औरों को। लेकिन उससे पहुंचने के लिए अंदर शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? वो मिलती है साइलेंस से। लेकिन साइलेंस कहाँ से मिलेगी? साइलेंस की शक्ति कहाँ पर है? इस दुनिया में तो साइलेंस है नहीं। ये आवाज़ वाली साइलेंस की बात नहीं कर रही है, लेकिन अगर हमें थोड़ी देर के लिए अगर मैं चुप हो जाऊँ, आपके अंदर समय खड़े रहूँगा, आपके अंदर संकट करना शुरू हो जाएंगे, अरे क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या, कुछ वीडियो में कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई, ये है साइलेंस की कमी। ज़्यादा सोचना शुरू कर दे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, फिर डर पैदा करना अपने अंदर, साइलेंस ही कर लिया। तो आज का वरदान हमारा साइलेंस के ऊपर है। लेकिन परमात्मा कहते हैं साइलेंस की शक्ति क्या है? शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा हुआ। शांति की शक्ति, शांति कहाँ पे होगी? मन की शांति की बात कर रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से अगर बहुत भीड़ भाड़ है, आप बहुत ऐसी सिटी में रहते हैं, बहुत आवाज़ है, आपका सड़क के पास सुन कर है, नीचे सारे ऑन पर्सन सुन होते हैं, वो साइलेंस की बात कर रही है। अंदर की साइलेंस की बात हो रही है, जिसमें कि आपके थॉट्स जो हों बिल्कुल क्लीन और क्लियर हों, आपको पता हो कि आपको रोड में आगे कहाँ जाना है, मतलब कि अपने लाइफ के दिशा में कहाँ पढ़ना है आपको, वो तब हो पाता है जब हमारे पास में और डिस्टर्बेंसेस नहीं है। ना हमारे पास में लोभ है, ना अहंकार है, ना ईर्ष्या है, ना घृणा है किसी से, ना किसी से हमें कॉम्पिटिशन करना है, ना किसी से हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, और हमें अपना अस्तित्व पता है कि हम कौन है और क्या करने के लिए आए हैं। और हमें ये भी पता है, हमारे पास में ये भी टेक्निक्स है कि हम कैसे एक सेकेंड में अपने मन को साफ कर सकते हैं, अगर कोई बैड एक्सपीरियंस भी हो जाए या कोई व्यक्ति हमारे साथ में बुरा बर्ताव भी कर ले, तब भी हमारे पास में इतनी शक्ति हो कि हम एक सेकेंड में मन के ऊपर उसकी कोई छाप ना छूटने दें और हमारे अंदर उसके प्रति दुआएं निकले, ताकि हमारे अंदर कोई चोट ना रह जाए। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारीज में। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं साइंस की शक्ति भी शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति कैसे निकली है? साइलेंस में होते हैं, एकदम एकाग्रता में होते हैं। क्यों एकाग्रता में होते हैं? क्योंकि वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड मतलब बेसमेंट भी बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड मतलब उनको दुनियावी चीज़ों से कोई डिस्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको बाहरी बातों से कोई मतलब नहीं, उनको पॉलिटिक्स से कुछ मतलब नहीं, उनको किसी और चीज़ से कुछ मतलब नहीं। क्या हो रहा है दुनिया में, किसी और के जीवन में क्या हो रहा है, आजू बाजू वालों के जीवन में क्या हो रहा है, उसे कुछ करने का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको वो फोकस कर पाते हैं। वो साइलेंस में होते हैं, वो अपने साथ बैठे होते हैं, सोच रहे ये फॉर्मूला काम नहीं किया, ये फॉर्मूला काम किया, ये फॉर्म में काम नहीं करते, वो फॉर्म में काम करते। तो उनके मन में बस दो चीज होती है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, चॉइसेस दो ही। तो वो अपने मन में साइलेंस की शक्ति के द्वारा राइट को आगे बढ़ाते हैं और रॉन्ग को हटाते जाते हैं। क्या आप भी साइलेंस की शक्ति से ये नहीं कर सकते? हाँ, इसके लिए आपको अंडरग्राउंड नहीं जाना है, आपको वहाँ से दूर नहीं जाना है, आपको मेडिटेशन सीखनी है और आपको शक्ति लेनी है। वो साइलेंस की शक्ति आएगी कहाँ से? वो आएगी परमपिता परमात्मा से, जो कि संपूर्ण साइलेंस में बैठे, वो एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ से हम सब आए थे नीचे, लेकिन वो तो मिलती वहाँ बैठे, और वो चाहते हैं कि हम भी उस अनुभव को महसूस करके अपने अंदर साइलेंस की शक्ति बनाए। कि वो जो दुनिया में बैठते हैं वो दुनिया है आपकी साइलेंस की, वो हम सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी की, दुनिया है का उसके साथ में सीखते हैं। तो परमात्मा तो साइलेंस का है या शांति का सागर है, उनके साथ में अगर जुड़ जाए तो उनके मन में ऐसे कोई संकल्प नहीं चल रहा है आपके प्रति जिसके कारण आपको गुस्सा आ जाए या आपको अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाए। बिल्कुल प्योर थॉट्स हैं, और जितनी क्वालिटी हमारी प्योरिटी की बढ़ती जाती है उतनी साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाती है। आप किसी के बारे में इम्प्योर सोचिए इस समय,
मेरे बारे में कुछ गलत सोच लीजिए, इस समय आपका मन अशांत हो जाएगा, आपके मन के अंदर तस्वीरें बन जाएंगी, मेरी शक्ल बार बार दिखाई देगी और उसके साथ में एक भावना जुड़ जाएगी और वो आपको तड़पाएगी और आपको सोने नहीं देगी। लेकिन वहीं पर अगर आप मेरे लिए कोई दुआएं सोच लीजिए, मेरे प्रति कुछ आप दुआ कर दीजिए, मेरे प्रति क्या किसी भी फैमिली मेम्बर के प्रति दुआएं करिए, तो वही जो नेगेटिव जो छाप बैठ गई थी और बार बार वो व्यक्ति याद आता, वो व्यक्ति याद आना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, आजमा के देखिए, बस दुआएं दीजिए उसको इतना कि आपको व्यक्ति एक समय पर दिखाई नहीं देगा, आपके मन में उसकी छाप नहीं रहेगी। ये शक्ति है दुआओं की और ये मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो परमात्मा यहाँ पे कहते हैं आगे आज के वरदान में, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्य से तेजोमय, उसको हम देख नहीं सकते। हे प्रभु मुझे आप देख नहीं सकते, आप इतने ताकतवर है, आपकी ऊर्जा है, मैं आपको देख नहीं सकता। लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हैं हमने तो उसे पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। तो शांति की शक्ति से हम स्नेह के सागर में समा गए। और परमात्मा ने इसके पहले कहा है कि कोई भी असंभव बातें जो होती हैं वो आप संभव कर पाते हैं क्योंकि आप योगी तो आत्मा। अब योगी तो आत्मा, योगी सोचते ही हमें लगता है कि कोई गिरवा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति होगा, ऊपर टीका विका लगा के रखा होगा और वो होगा अपने योगी। योगी का सिंपल ये है, उसको पता होता है कि मन काम कैसे करता है और बुद्धि काम कैसे करती है और संस्कार का क्या मतलब है। हमारे मन के अंदर जो बहुत संकल्प अपवित्र संकल्प चलते हैं, योगी के पास में की शक्ति होती है कि वो दूध का दूध पानी को पानी कर सकता है, मतलब कि वो कंकड़ में से मोती निकाल सकता है, मतलब कि वो सोने की खान में जा करके पत्थर में से सोना अलग कर पाता है, मतलब कि सिंपल टर्म्स में वो अच्छे संकल्पों को अलग और बुरे संकल्पों को अलग करता है और बुरे संकल्पों को छोड़ देता है। यह योगी की निशानी। और जो इंसान साइलेंस सीख लेता है, ब्रह्म कुमारी में आकर के मेडिटेशन सीख लेता है, वो योगी बन जाता है। वैसे बहुत सारे लोग हैं योगी, लेकिन उनकी क्षमता अपनी अपनी है अच्छे थॉट्स को बुरे थॉट से हटाना। और उसके लिए विद्या भी चाहिए कि अपवित्र संकल्प क्या है और दुआओं का असर क्या पड़ता है। ये सब कुछ सिखाया था आपको ब्रह्म कुमारी में। और आप आ सकते हैं 70 सपोर्ट करने के लिए अपने ही सेंटर पर ब्रह्म कुमारी, जिस भी सिटी में रहते हैं। और साथ ही साथ आप हर रविवार को हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक जूम मीटिंग पे, जिसमें कि हम अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग लोग आकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं उस पे, डॉक्टर्स भी आते हैं उसके ऊपर, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी मीटिंग की बातें होती हैं, राजयोग एक्सपर्ट भी आते हैं। आप हमसे ज्वाइन करें और डिटेल्स पाने के लिए आप व्हाट्सएप का जो नीचे दिया है नंबर उस पर कॉन्टैक्ट करें। इसके साथ ओम शांति।